दोस्तों जब ये आदमी समुद्र में सर्फिंग कर रहा था उसी समय पर एक बहुत बड़ी सी लहर आती है और इस शख्स को समुद्र में डुबा देती है। इसके बाद ही एक और उससे भी बड़ी लहर आकर इस आदमी को पानी के अंदर तक धकेल देती है और तभी कोस्ट गार्ड के लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। फिर देखिए इन लोगों ने इस शख्स को कैसे बचाया। रशिया में एक ज्वालामुखी फटकर उसका लावा नीचे की तरफ बह रहा था। उसी समय पर गर्म लावा का थोड़ा सा सैंपल लेने के लिए देखिए ये साइंटिस्ट कितना पास तक चला गया। दरअसल इस सूट को वॉल्केनिक सूट या फिर फायर प्रॉक्सिमिटी सूट भी कहा जाता है और इस सूट को पहनने के बाद में 1100 डिग्री तक की गर्मी आसानी से झेली जा सकती है। ताइवान के कोस्ट गार्ड ने अचानक एक दिन ब्रिज गिरने की घटना अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर ली, जिसमें कि पूरा ब्रिज पानी के अंदर गिर जाता है और ब्रिज पर चल रहा ट्रक भी उसे पार नहीं कर पाता और यहाँ पर ये ट्रक भी ब्रिज के साथ ही नीचे गिर जाता है। इसी तरह का टाकोमा नैरो नाम का ब्रिज अमेरिका में भी था और तेज हवाओं के चलते वो इतना जोर से हिल रहा था कि आखिरकार ये ब्रिज अपने ही वजन से टूटकर नीचे गिर जाता है। जब एक F-16 फाइटर जेट लैंडिंग के लिए आ रहा था तब वो लोगों के बिल्कुल सर के ऊपर से होकर गुजरता है। दोस्तों फाइटर प्लेन की ट्रेनिंग एक्सरसाइज के दौरान इन्हें कई बार जमीन के बिल्कुल पास से होकर गुजरना पड़ता है और जब एयरप्लेन्स ऐसा करते हैं तो वहां खड़े लोगों के कान दर्द हो जाते हैं। एक छोटी सी गलती की वजह से चाइना का यह बड़ा सा समुद्री जहाज पानी में डूब जाता है, लेकिन शिप पर मौजूद सभी लोगों को आखिर में बचा लिया गया था। लेकिन इस डूबते हुए जहाज का वीडियो आखिर में कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है। ये वीडियो क्लिप एक कार में लगे कैमरे में रिकॉर्ड हुआ जब एक औरत अपनी चलती हुई कार से उतर गई और उसने अपनी कार को चलता हुआ ही छोड़ दिया। इस औरत ने पता नहीं ऐसा क्यों किया, लेकिन आगे चलकर ये गाड़ी दूसरी लेन में पहुंच जाती है और वहां की गाड़ियों से टकराने लगती है। दोस्तों सिडनी ऑस्ट्रेलिया में एक एयरक्राफ्ट शो के दौरान एक बड़ा सा प्लेन शहर के बीचों बीच बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के बीच में से होकर गुजर रहा था और लोगों ने जब इतने पास से उड़ते हुए प्लेन को देखा तब उन सभी के होश उड़ गए। क्या आपने कभी किसी हॉलीवुड मूवी की शूटिंग देखी है? एक हेलीकॉप्टर यहाँ पर एक एक्शन सीन को शूट करने के लिए सड़क के बिल्कुल ऊपर उड़ रहा था क्योंकि डायरेक्टर को अपनी मूवी में कुछ इसी तरह का शॉट चाहिए था। एक भालू खाने की तलाश में इस गाड़ी के पास तक पहुंच जाता है और वो कार को खोल भी लेता है। इसके बाद वो अंदर रखे खाने को खाने लगता है और थोड़ी ही देर में भालू का पूरा परिवार आकर कार के अंदर खाने का मजा उड़ाने लगता है। दोस्तों ये लड़की साइकिल पर ऐसा कमाल के करतब कर रही थी कि वहां खड़े लोग उसे देखते रह जाते हैं क्योंकि साइकिल पर ऐसे ट्रिक्स को करना काफी मुश्किल होता है। इसके लिए अपने शरीर को बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अभी ये लड़की एक बर्फीले पानी में छलांग लगाने वाली है, लेकिन कूदने से पहले ही उसे ये नहीं पता होता है कि पानी पूरी तरीके से जम चुका है और इसके छलांग लगाते ही ये बर्फ से जाकर टकरा जाती है। इन जैसे लोगों की वजह से ही हमेशा ही हादसे होते रहते हैं। ये वीडियो ट्रेन में लगे कैमरा में रिकॉर्ड हुआ था, जिसमें कि आप साफ तौर पर देख सकते हो कि जल्दबाजी के चक्कर में ये लोग ट्रेन के आगे से किस तरीके से भाग रहे होते हैं।
भले ही ट्रेन इनके पास में आ जाए लेकिन इनको जल्दी ज्यादा होती है। दोस्तों, बर्फीले पानी में नहाना हर किसी के बस की बात नहीं होती, लेकिन शायद तक इन लड़कियों को इन चीजों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। और ये बर्फीले पानी में ऐसे डुबकी लगा रही है जैसे कि इन्हें ठंड लगती ही नहीं है। दोस्तों, इस लड़के ने अपने घर के गैराज में एक ऐसी कार बनाई जो कि आग फेंक सकती है, और ये कार इतनी दूर तक आग फेंकती है कि कोई भी इसके आगे आना नहीं चाहेगा। आपने आइस हॉकी तो देखी होगी, लेकिन ये है अंडर वाटर आइस हॉकी, और इसके अंदर बर्फीले पानी के अंदर बर्फ के ऊपर हॉकी खेली जाती है। रशिया में सर्दियों के दौरान समुद्र पूरी तरीके से जम जाता है, लेकिन जैसे ही बर्फ पिघली और समुद्र की लहरें आई तब सारी बर्फ जमीन पर आ गई, और देखिए इतने सारे बर्फ ने समुद्र के तट पर कितनी तबाही मचा दी है। कोको जॉनसन नाम की इस लड़की को कैंसर था और ये अपना इलाज करवाने के लिए करीब एक साल तक हॉस्पिटल में थी, लेकिन जब ये लड़की अपने घर पहुंची तब इनकी पूरी कॉलोनी ने मिलकर इस लड़की का कुछ इस तरीके से स्वागत किया। ये लड़की कैंसर को हराकर अपने घर पहुंची थी, इसलिए उसका ऐसा वेलकम देखकर वह काफी इमोशनल हो गई। दोस्तों, एक ऑनलाइन क्लास के दौरान जेम्स ब्राउन नाम के टीचर काफी ज्यादा अपसेट थे, क्योंकि उनके बोलने के बावजूद भी किसी भी बच्चे ने अपना कैमरा ऑन नहीं किया था, लेकिन तभी सारे बच्चे एक साथ अपना कैमरा चालू करते हैं और डॉक्टर ब्राउन को थैंक यू बोलते हैं। बच्चों की तरफ से ऐसा मैसेज देखकर इनके टीचर काफी इमोशनल हो जाते हैं। एक रेसलिंग मैच के बाद में जो खिलाड़ी हार गया था उसे काफी चोट लगती है और वह खड़ा भी नहीं हो पाता है, लेकिन तभी दूसरा खिलाड़ी आकर उसे अपने कंधों पर उठाता है और मेडिकल टीम के पास तक लेके जाता है। दोस्तों, ये वीडियो इंडिया का है जहां पर एक पुलिस वाला बाइकर को कहता है कि एक महिला अपनी जरूरी दवाइयां भूल गई है, तुम उस गवर्नमेंट बस का पीछा करके ये दवाई उस तक पहुंचा देना। यह बाइकर काफी देर तक बस का पीछा करता है और आखिर में वह जरूरी दवाई उस महिला तक पहुंचा देता है। जंगल में एक चीते के बच्चे का पैर फंदे में फंस जाता है, लेकिन ये आदमी अपनी जान की परवाह किए बगैर इस बच्चे को पिंजरे से निकाल देता है। दोस्तों, एक सड़क दुर्घटना के बाद एक औरत मर्सिडीज की 3 टन वजनी गाड़ी के नीचे फंस जाती है, लेकिन सड़क पर चल रहे सारे लोग बिना देर किए पूरी गाड़ी को ही उठा लेते हैं और इस लड़की को ये लोग सुरक्षित बाहर निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, ये थे अनबिलीवेबल मूवमेंट्स कॉट ऑन कैमरा, यानी कि कैमरे में ये चीजें रिकॉर्ड नहीं होती तो कोई भी इस पर यकीन नहीं करता। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए इन नीचे दिए गए वीडियो लिंक्स पर क्लिक करें।